दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, आपके बहुत से पत्र आते हैं, आपके बहुत से डीएम आते हैं, लेटर भी आते हैं। लेटर किस लिए आते हैं, मेरे ईमेल पे भी बहुत से प्रश्न आते हैं और वो सब के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ भी पूछना है वो मुझे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के बारे में, टीवी के बारे में, टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के बारे में और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मुझे ज़रूर लिखिए, मेरे डीएम पे भी लिखिए, मेरे इंस्टाग्राम पे भी लिखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ ऐसा ही खास बनने वाला है। बहुत से लोगों ने पूछा था कि जब शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ जी साथ में थे तो उनके बारे में कुछ बताइए। तो शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा है कि वो जब स्टार थे, स्टार जैसे मतलब अमिताभ से भी ज़्यादा उनकी डिमांड थी, तो वो ऐसे अचानक कैसे नीचे आ गए, जो सीढ़ी पे थे वहाँ से नीचे कैसे आ गए, जो ऊंचाई पे थे वहाँ से नीचे कैसे आ गए, उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नीचे जो लोगो आ रहा है उसे आप क्लिक कर लीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो देखने मिलेगी पहले। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं शत्रुजी के बारे में कुछ बताऊंगा। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के रहने वाले थे और मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए थे। FTII से यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे से उन्होंने डिग्री भी हासिल की थी। उसके बाद मुंबई इंडस्ट्रीज़ में ट्राई करने लगे लेकिन कुछ नहीं होते हुए देख वो एक बार तो वापस घर चले जाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त शत्रुघ्न सिन्हा को देवानंद साहब ने चांस दिया और देवानंद साहब वो जाने ही वाले थे दूसरे दिन। तब उससे पहले अगले दिन देवानंद साहब ने उनको बताया कि आपको एक काम है, छोटा सा रोल है, आप कर लीजिएगा। तो उस गैम्बलर या तो कोई दूसरी फिल्म थी लेकिन पता नहीं, देवानंद साहब ने उनको चांस दिया और वो फिल्म इंडस्ट्री में रह गए। और उसके बाद को सबको मालूम है कि वो कितने अच्छे कलाकार थे। वो इतने अच्छे कलाकार थे कि शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से जो बड़े बड़े दिग्गज, तब जब अपराइजिंग जो स्टार थे जैसे कि अमिताभ बच्चन को बहुत डर लगने लगा था कि ये मेरी कुर्सी ले लेंगे या तो मुझे टक्कर दे रहे, और हमेशा यही रहे। जिस फ्रेम में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा रहते थे उस फ्रेम में देखिएगा, शत्रु अगर फ्रेम से बाहर भी है तो भी अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, अपनी हाजिरी दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। एक फिल्म का शॉट था जब अमिताभ जी ने कहा था कि जहाँ पे शत्रु फ्रेम से बाहर था लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, अपनी हाजिरी दिखाने के लिए उन्होंने सिगरेट से रिंग करते करते अपनी एंट्री दिखाई थी, यानी वो अपनी प्रेजेंस फीलिंग कराते थे। तो ये होता था कि पब्लिक उस वक्त इसकी एंट्री पे ही तालियां बजाती थी। वो विश्वनाथ उन्होंने की, फिर नसीब भी की और बहुत सी फिल्में की, लेकिन जब वो उनका जो बोलने का ढंग, बोलने की आवाज़ और गहरी आवाज़ की वजह से इतने फेमस हो गए थे कि जैसे उनकी एंट्री थिएटर में पर्दे पे होती थी तो पब्लिक तालियों की गूंज से उन्हें स्वीकार कर लेते थे, उनको आवकार देते थे, उनको बुला मतलब उनका प्रोत्साहन करते थे। दोस्तों तो ये तो हुई शत्रुघ्न सिन्हा की बात, लेकिन अमिताभ ने खुद कहा है कि वो वन टेक आर्टिस्ट थे, यानी एक ही शॉट, एक ही टेक में वो शॉट दे देते थे, कितना भी बड़ा डायलॉग हो वो। और विनोद खन्ना जी ने भी ये बहुत बार कहा है कि मेरी अपनी जो फिल्म बन रही थी तो उसमें विनोद खन्ना और अमिताभ शत्रुघ्न सिन्हा सामने थे, तो उनको टक्कर देने में शत्रु की बहुत ही अहमियत थी और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे शॉट्स दिए हुए थे कि वही फिल्म को लेके जाते थे अपने कंधों पे। तो दोस्तों ये भी हुई, लेकिन एक बात कब हुई कि काला पत्थर फिल्म जब बन रही थी तो सलीम जावेद ने जो लिखी थी और उसमें स्क्रिप्ट में तो ऐसे था कि जो दोनों की लड़ाई होती है उसमें दोनों को बराबर का हिस्सा था, बराबर लड़ेंगे, लेकिन अमिताभ ने अपनी कुछ काम, अपनी जब स्टार पद मिल रहा था तो अमिताभ ने कुछ उसमें सीन्स चेंज करा दिए और शत्रु को जैसे वो मार देता है, गिरा देता है, उस टाइप का कुछ ये सीन्स बना दिया। लेकिन उस वक्त शशि कपूर जी आते हैं और उनको अलग करते हैं। वैसा ही हुआ था दोस्ताना फिल्म में। दोस्ताना फिल्म में भी
जब शत्रुघ्न सिन्हा अमिताभ से बहुत आगे निकल गए थे और कोई कोई फ्रेम में तो शत्रु ही शत्रु छाए रहते थे, तो अमिताभ को अपना आसन डोलता दिखता था, तो अमिताभ जी ने बहुत उसमें भी कोशिश की थी, लेकिन दोस्ताना फिल्म बहुत अच्छी चली थी, बहुत अच्छे उन दोनों की वजह से चलती, लेकिन काला पत्थर के बाद उनमें कुछ खटास आ गई। हम शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी इंटरव्यू में भी कहा कि अमिताभ जी चाहते थे मेरे रोल कट हो जाए या मेरा रोल मेरा काम कम हो जाए और मैं मतलब अमिताभ आगे बढ़ जाए, तो दोस्तों ऐसा भी होता है फिल्मों में तो होता ही है, लेकिन ज़बरदस्त टक्कर देने वाले स्टार शत्रुघ्न सिन्हा क्यों फिल्मों से आउट हो गई है, क्योंकि इतना अच्छा स्टार हमें मिला था इंडस्ट्री को, क्यों आउट हो गया वो भी बात जानने लायक है, क्योंकि उनको अभिमान आ गया था, वो बोल उन्होंने खुद ही ये कहा है कि इंटरव्यू में कि मुझे अभिमान आ गया था कि मुझसे बड़ा कोई स्टार नहीं है, और ठीक है अभिमान तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि फिर वो प्रोड्यूसर्स के साथ या तो फिर और भी फिल्म बनाने वालों के साथ गैर व्यवहार करे, कुछ ऐसी बातें कहे। तो दोस्तों अपनी घमंड की वजह से शत्रुघ्न जी बाहर हो गए, और अमिताभ जो पॉलिटिकल थोड़ी माइंड ऐसे सेटर रखते थे कि कहीं पे भी झुक जाना या तो कहीं पे भी मोड हो जाना, कहीं पे जिस टाइप का हो वैसे ही मोल्ड हो जाते थे, तो वो अब तक है। और उन्होंने अमिताभ जी ने PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिस इतना अच्छा रखा है कि उनको आज भी फिल्में मिलती है और शत्रु जी शायद बाहर है, तो घमंड शायद इनको लेके डूबा था। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, तो इतना ऊपर उनके सामने टक्कर लेने वाला कोई था ही नहीं, तो अमिताभ ने किस टाइप से आगे बढ़ने की कोशिश की और शत्रु जी भी बहुत कुछ घमंड में भूल गए थे। दोस्तों यही होता है, घमंड अगर किसी पे आ जाए तो नीचे पतन तो श्योर है। राजेश खन्ना जी इतने बड़े सुपरस्टार थे, उनको भी घमंड तो आ ही गया था और पतन का कारण भी बना था। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, ऐसी ही चुलबुली या तो चटपटी बातें जो मैं आपको बताऊंगा, मुझे लिखिए, मेरे DM पे लिखिए, मेरे Instagram पे लिखिए, और अगर आप नए हो तो बाजू का लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।